आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार आप सबको। आप लोगों के सामने फिर से एक बहुत ही खास व्यक्ति जिन्होंने पहली बार राजनीति में अपने कदम रखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही विजेता प्राप्त किया है। आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं श्री तोकु तातुम, 16 यचुली की एनसीपी कैंडिडेट जिन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा और विजेता भी प्राप्त किया है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ऐसे अचानक से ऐसे पॉलिटिक्स में राजनीति में आपने कदम रखने का फैसला निर्णय कैसे और क्यों लिया? ये कैसे और क्यों तो जनता से पूछना चाहिए। हमें लगा कि वहाँ पे एक कनेक्शन मिसिंग था, जनता और जो लीडर के बीच होते हैं कनेक्ट वॉज मिसिंग। हमारे बहुत से वेल विशेस और दोस्त वहाँ के जनता हमें बताया कि आप एक युवा नेता हो, एंटरप्रेन्योर, तो आप आइएगा एंड जो दूरियाँ हम में और लीडर में है आप उसको कैन फुलफिल दैट गैप, तो मुझे ऐसा न्योता आया तो मैंने भी देखा कि हाँ सही में ऐसा है। तो ईश्वर का इच्छा था, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट गॉड्स विल, मुझे विश्वास है कि ईश्वर की इच्छा था तो मैंने ये छलांग लगाया और ईश्वर की कृपा से और लोगों का सपोर्ट से अच्छी तरह जीत गया। जी सर, आपने राजनीति में तो अपने कदम रख लिया और ये भी जानना चाहोगे आप एनसीपी पार्टी को ही क्यों चुना? वेल, एनसीपी पार्टी एक नया पार्टी है अजीत पवार जी का और यहाँ पे उसका नेतृत्व में प्रेसिडेंट साहब था, उसने हमें बोला कि आप इस पार्टी से उठिएगा और हमने यहाँ पे और एक मज़ेदार बात ये है कि हमारे की पन्योर पहले हम लोग सुबंशी पे हुआ करता था कि जिसने भी एनसीपी पार्टी से उठा है वो हमेशा जीता है। तो मेरे भाई साहब अंकल बोलेंगे हम, वो 2099 पे उसने एनसीपी पे ही उठा था और घड़ी के सिंबल पे ही जीता था। तो उसके बाद फिर निकामिन साहब भी घड़ी से उठा, उसने जीता। मुझे लगा कि ये एक अच्छा पार्टी है और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे लिए हमेशा थी पंजाब पे जिसने भी से इसका सहारा लिया वो हमेशा जीते हैं। तो हमने भी चलो भाई हमने भी ट्राई किया और हम भी जीते। जी, और की पंजाब एक बहुत ही न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो नई नई एमएलए होने के साथ साथ आपकी ये नई नई डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने बहुत सारे सपने होंगे, तो आप अपने नई जिले के लिए क्या विजन सोच कर रखें ये भी जानना चाहिए। सी द होल थिंग व्हाई आई डिड दिस वाज आई वांटेड टू डू व्हाट द लीडर हैज टू डू, सो आई रियलाइज दैट देयर इज मिसिंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड नॉट मेनी यंग लीडर्स आर ट्राइंग टू डू दैट एंड वन ऑफ देम। तो मैं जब यू की बजट को जस्ट अभी ही मिले हैं क्यों बजट का और मैं पहला एंड द फर्स्ट इलेक्टेड लीडर ऑफ की बजट डिस्ट्रिक्ट, सो आई टोल्ड द पीपल दैट इफ आई कम इन आई हैव अ डिफरेंट विजन, इट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ओनली फ्रॉम द टॉप, इट हैज टू बी फ्रॉम द बॉटम, इट कैनॉट बी इम्पोज, इट हैज टू बी द डिमांड ऑफ द पीपल। सो ये जो चीज है नीचे से आना है उसको क्या चाहिए, तो हमारे कैंपेन पे हमने यही बोला कि हमेशा टॉप से डेवलपमेंट होता है, हमेशा टॉप से प्लानिंग होता है। मैंने सबको ये बोला कि मैं जीतते ही वन मंथ में रेस्ट करूँगा, देयर आर थोर एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं हर जिले पे जाऊँगा, हमारे 6 जिला हैं, मैं जिले पे जाऊँगा, हर ग्राम पंचायत मेंबर्स को पूछेंगे, हर स्टेक होल्डर्स, यूथ हो गया, वुमेन हो गए, हमारे एल्डर्स हो गए, एक्स लीडर्स हो गए, हम सब मिल के हमें उनको क्या चाहिए उस तरह हम सब 6 जिले पे जाएंगे। Then we'll come back, we'll sit in the drawing board, उसके बाद we will get in touch with the rural development specialist और हमारे stakeholders, seniors के साथ बैठ के we'll make a blueprint of how key pioneers should be in the 6 year and another 15 years. So we'll have a two-pronged project कि immediate पे हमें क्या करना है, long term पे हमें क्या करना है। तो ये सपना जो है जहाँ पे मैंने बोला कि youth will be one of the most important segments of that, कि हमारे यहाँ पे आपको विश्वास नहीं कि हमारे यहाँ पे बहुत ही पढ़ा लिखा लड़के हैं, युवक है और बहुत ही सक्षम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है और आप सबको नौकरी नहीं दे सकते। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नारा लगा के आया हूँ, वी हैव टू एम्प्लॉय आवरसेल्फ,
एम्प्लॉयमेंट, वी हैव टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये सब चीज़ को लेके मैं आया हूँ. मुझे विश्वास है कि जो जनता जो गवर्नर गवर्नमेंट होंगे, आनंद साहब की गवर्नमेंट जो होंगी, वो जरूर हमें मदद करेंगी और की पंजाब डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे. सर, आपने नई नई राजनीतिक में कदम रखा और पहली अटेम्प्ट से ही आपका विजेता भी हुआ है. तो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क दैट यू हैव टू गो थ्रू ड्यूरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस? Challenges, I would say, for me, greatest challenge, I would say, was the opponent himself. Mm-hmm. He's a very senior man, a retired chief engineer, and he's a relative of mine. I really respect him, and he was the education minister as well. So, BJP ka sar, Bhajpa ka sarkar hai, uska cabinet minister hai, sare panchayat uske saath the, lekin kahin pe minister saab ji ka ये कुंते का और पंचायत भी थी. आई थिंक तो जैसे 6 में से 5 जिला हमारे साथ आ गए थे. तो मुझे काफ़ी इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज कि उसके सामने मैं खड़ा हूँ, उसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूँ. तो आई थिंक ही वॉज अ बिग चैलेंज. फिर भी जनता का दया से, ईश्वर की इच्छा से, आई वॉज द विनर. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू मोस्ट ऑफ इट. इट वॉज वेरी एनकरेजिंग आई वुड से दैट. एंड दूसरा चैलेंज मुझे अगर आप पूछें तो मुझे लगा कि जनता कहीं ना कहीं काफ़ी निराश है, काफ़ी परेशान है, और वो दे हैव लॉस्ट द होप ऑन द लीडर्स. दे बिकम वेरी सिनिकल, बहुत सिनिकल हो गए हैं, किसी पे विश्वास नहीं करता. तो मैं जब जनता के सामने गया, मैं जब बीचों बीच उसके सामने गया, मैंने अपने मैनिफेस्टो को बताया, तो मुझे बोला कि आप ही उन्हीं में से एक हैं, आप आएंगे, हमें मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, उसके बाद आप भी गायब हो जाएंगे. 4 साल तक अभी आप दिखाई नहीं देगा, 5वां साल पे आप आएंगे, फिर कैंपेन करेंगे. तो मेरे को बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिएगा. कोई कोई ऐसे जो उसने बोला कि 5 साल का हिसाब किताब कर दियो तो मैं आपको अवगन बॉर्डर यू एस वेल. सो मुझे ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगा, क्योंकि समहाउ पीपल हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द लीडर्स. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं पब्लिक को दोषी नहीं दे रहा था, मुझे जनता को दोषी नहीं दे रहा था. मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लीडरों में से चूक हुआ है. हमने व्हाटएवर होप दे हैव पुट ऑन अस, हमने उसका होप को तोड़ा है, हमने उसका विश्वास, उसके विश्वास पर हम खरा नहीं उतरा. तो ये मेरे लिए चैलेंज तब भी था और ये चैलेंज मेरा अब भी रहेगा. बट डीप इनसाइड माय हार्ट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसको भी ये विश्वास हुआ कि ये जो नेता आया है, कहीं ना कहीं अब उसको लगा कि नहीं, इस पर विश्वास किया जा सकता है. तो जो विश्वास उसने हमारे ऊपर रखा है, मैं बखूबी से निभाऊंगा. मुझे विश्वास है कि मैं आई ओन ब्रेक होप पुट ऑन मी. जो विश्वास उसने हमारे ऊपर रखा है, हम जरूर उस पर खरा उतरेंगे. हम 100% दिखाएंगे. मेरे लिए तो आई वुड से देयर वाज दैट बिकेम माय स्ट्रेंथ. जो उसका कमियां था, वीकनेस अकिलेस हील इन आर्म दैट आई कुड सी वाज आई थिंक वो इज एन ऑफिसर, इज अ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर. तो वो बहुत ही अच्छे भले आदमी है, लेकिन वो अफसर ही है, वो नेता नहीं बने. मुझे ये लगा. और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो लोगों के साथ करते हैं, जो पब्लिक के साथ, जो जनता के साथ, वो नहीं किए उसने. वो अपने ही जिला, जो 6 जिला है हमारे वहाँ, उनसे नाराज़ रूठ कर 5 तो उसके लोकल लीडरशिप से नाखुश होकर निकल गए, ये मैंने देखा. और मुझे ये लगा कि हमारे की पंजाब डिस्ट्रिक्ट पे यूथ्स बहुत हैं, एंड स्किल्ड यूथ्स है और हाईली एजुकेटेड यूथ्स है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है. उसने कहीं भी यूथ्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं बढ़ावा नहीं दिया, मुझे ये लगा. और उसके चलते आपको पता होगा कि ज़्यादातर 70% यूथ आई थिंक वेयर विथ मी, बिकॉज आई केम ऑन द स्लोगन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. तो ये चीज़ मुझे लगा कि उससे ये चूक हुआ है और एंड आई कैपिटलाइज्ड ऑन ये चीज़. हाँ
सर, जाते जाते हम आपको ये भी मौका देना चाहेंगे, आप एज ए यंग लीडर, फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम 16 एक्चुअली, व्हाट यू लाइक टू कन्वे टू योर कंस्टिट्यूएंट्स पीपल एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वेल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू से, बट सेइंग सो मेनी थिंग्स डजंट मेक सेंस. इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि आपको जो चाहिए आपको वही मिलता है. तो आपने मुझे चुना है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास हमारे ऊपर है. एंड मैंने हमेशा से यही बोला कि हमें सोच बदलना पड़ेगा. वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक बिकॉज थॉट प्रीसीड्स एक्शन. तो जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट की पन्योर पे हम एक नया सपना के साथ एक नया दिशा में एक जहाँ पे यूथ्स को एक प्राथमिकता दिया जाएगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा, सेल्फ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा, हमारे वुमेन फोक्स को एक स्पेशल फोकस दिया जाएगा, हमारे जितने भी वर्कर्स है, जितने भी पार्टी वर्कर्स है, ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स है, उनको उनका दर्जा दिया जाएगा. तो ये सब चीज़ सोच के साथ मैं आ रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट टू मेक our key Panyur district and a 16 actually not only the best in the state but in the entire South Asia. Mera ye ek vichar hai. Main nahi janta ki main kitna successful hoonga. There will be many weaknesses in me, but I can promise you one thing, that I will give my 100%. I'll leave no stone unturned and I'll try my best, and as I always say, together we can. तो यह था हमारे साथ श्री तोको तातुन जी, जिन्होंने अभी अपने सपने, अपने विजन्स, अपने इनिशिएटिव, जो अपने वाले सपने को आप लोगों के सामने रखा है, आप लोगों ने सुना देखा, जो आए जानते हैं. फिर आगे उनकी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे हम नज़र रखेंगे. कुछ ही समय के बाद हम सर की कंस्टिट्यूंसी में जाके उनकी एक्टिविटीज़ को भी दिखाएंगे. इसलिए हम लोगों के साथ जुड़े रहे, बने रहे. सपने बहुत है, बहुत बहुत बड़ा सपने को लेके अपने क्षेत्र को देश में ही नहीं पूरी एशिया में सबसे लार्जेस्ट बनाना चाहते हैं, सबसे शानदार बनाना चाहते हैं. तो इससे बड़ा शब्द हम कहीं पे भी नहीं सुना है. आज सुन के बहुत अच्छा लगा. देखेंगे जितने अब भी कितना दावा किया, इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आप लोगों के सामने लाने के काम हम करेंगे. मैं तुझो तालना करो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से.